बड़े बड़े माफिया के चक्कर में छोटे छोटे बंदे गरीब आदमी फंस गए। मैं इस वक्त दिल्ली गेट कब्रिस्तान के इलाके में मौजूद हूं, जहां टाइम्स ऑफ इंडिया का दफ्तर है। ये उसी जगह जहां बुलडोजर चल रहा है, वहां की तस्वीरें हैं कि जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कब्रिस्तान के पीछे वाला जो ये पूरा इलाका है, तकरीबन अगर माना जाए तो 50 से 60 के आसपास की दुकानें अब तक जमींदोज हो चुकी हैं, जिसमें टाइम्स ग्रुप के जो दफ्तर हैं उनके भी छोटे छोटे जो ऑफिसेज हैं वो भी लिस्ट में शामिल थे, जिन पर नोटिस लगा दिए गए थे। और नोटिस लगाने के बाद उन सभी दफ्तरों को अब जमींदोज कर दिया गया। बुलडोज़र अगर माना जाए तो 4 बुलडोज़र एक वक्त में तकरीबन चल रहे हैं, और ये कार्रवाई यहाँ सुबह से जारी है। पुलिस बल को तैनात किया गया है, तमाम MCD के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस मौके पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम को देख रही है, और कहा जा रहा है कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर आपने बहुत सारी तस्वीरें पहले भी देखी होंगी कि जिनके चलते इंक्रोचमेंट ड्राइव हटाने के लिए बुलडोज़र से ये कार्रवाई की जाती है, और बुलडोज़र के ज़रिए तमाम उन जगहों को तोड़ दिया जाता है कि जो इंक्रोचमेंट का हिस्सा होती हैं। अक्सर देखा कि सड़कों पर लगे हुए कुछ ठिए होते हैं उनको तोड़ा जाता है, सड़क किनारे कुछ दुकानें होती हैं उनको तोड़ा जाता है, और अब ये पूरी की पूरी एक बड़ी इंक्रोचमेंट ड्राइव इसको समझा जा सकता है, क्योंकि ये कब्रिस्तान से लेकर और बाहर रोड तक पूरा L शेप में दुकानें बनी हुई थी, और उन्हीं दुकानों पर ये बुलडोज़र चल रहा है। इसमें कुछ ऑफिसेज भी थे जिन पर ये बुलडोज़र चलाया गया, और अब पूरी तरह ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक का छज्जा तोड़कर उसको ख़त्म कर दिया जाए और बुलडोज़र को रोक दिया जाए। एक ही वक्त में 4 बुलडोज़र लगातार JCB MCD के कंटिन्यू चल रहे हैं, और अलग अलग जगह पर तोड़ाई की जा रही है। अलग अलग जगह पर पूरी तरह से, यानी कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा MCD का, सीधे तौर पर कहना है। और उसी के चलते ये बुलडोज़र इस तरह से यहाँ चलाया जा रहा है। पुलिस बल को तैनात किया गया है सुरक्षा के इंतजाम को देखने के लिए, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर पुलिस नहीं होगी, प्रशासन नहीं होगा, तो मौके पर पहुंचकर अगर कुछ लोग हंगामा करने लग गए तो उन हालात को कैसे टैकल किया जाएगा और कैसे उन हालात पर काबू पाया जाएगा, इसलिए पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है। पीछे की तरफ आपको चलकर दिखाते हैं कि ये किस तरह से यहाँ से तमाम चीज़ों को तोड़ा गया है। एक तरह से कहा जाए तो तहस नहस करने की जो एक बात होती है वही यहाँ दिख रही है, और इसी तरह से तमाम चीज़ों को तहस नहस किया गया है। दीवारें भी नहीं छोड़ी गई हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। यहाँ अखबार पड़े हुए आपको नज़र आ जाएंगे, जिससे ये पता चल जाएगा आपको कि यहाँ दफ्तर थे और इन्हीं ग्रुप्स के दफ्तर थे कि जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मौजूद हैं। मैं जिस वक्त चल रहा हूँ उस वक्त अब बस यहाँ पर मलबा नज़र आ रहा है पड़ा हुआ, और ईंटें पत्थर ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आएगा। पूरी तरह से बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। इंक्रोचमेंट के नाम पर ये ड्राइव चल रही है। कहा जा रहा है कि कब्ज़ा किया हुआ था यहाँ, और ये कब्ज़ा अब हटाया गया, जिसके बाद ये पूरी जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसको यहाँ चलाया गया। कब्रिस्तान से लेकर और सड़क तक ये ड्राइव चली है। 4 बुलडोज़र, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही साथ 4 बुलडोज़र एक वक्त में चलाए जा रहे हैं। MCD के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, और लगातार इस ड्राइव को आगे बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, और एक ही साथ ये पूरी ड्राइव, ऐसा नहीं है कि रोक कर आज करके फिर कल कर दी जाए या 2 दिन बाद कर दी जाए, लेकिन एक ही साथ 4 बुलडोज़र लगाए गए हैं। चारों बुलडोज़र अलग अलग कोनों पर अपना अपना काम कर रहे हैं, और चारों बुलडोज़र एक साथ इस इंक्रोचमेंट को हटा रहे हैं। इसमें कुछ वीडियोस ऐसे भी सामने आए कि जिसमें लोग कहते नज़र आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड हो या उसके अलावा दिल्ली पुलिस हो, MCD हो, उन सभी के साथ में ये तमाम चीज़ें हुई हैं और ये इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। ये जनवरी से पेंडिंग चल रहा था केस, यहाँ पे कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट डबल कर रखी थी। उस चक्कर में यहाँ पे MCD का नोटिस आया, पुलिस का भी नोटिस आया, वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग था इसका। उसके अनुसार इन्होंने डेट पे डेट लेते गए, आज उसकी तारीख आ गई, इसकी वजह से डेमोल्यूशन हुआ। मगर इसमें छोटे छोटे दुकानदार पिस गए, जो चाय वाले थे या अखबार बैठते सुबह एजेंसी लेते थे, तो उनके चक्कर में बड़े बड़े माफिया के चक्कर में छोटे छोटे बंदे गरीब आदमी फंस गए। इसमें किस किस की दुकानें थी? इसमें फूल वाले की थी, एक मोची की दुकान थी यहाँ पर, यहाँ पे होटल था पहले, आगे भी होटल था, उसमें
एक अखबार अखबार का काम भी करते हैं आगे, और दिनेश समोसे वाले की दुकान थी। तो जो ये कुछ दुकानें ऐसी थी जो बिल्डिंग से अटैच थी, जो बिल्डिंग के जो कैंटीन के स्टाफ आते थे, टाइम्स ग्रुप हाँ जो भी एक्सप्रेस के ग्रुप थे वो लोग आते थे वहाँ पे चाय समोसा करते थे। मगर अब कुछ उसमें थोड़े से पैसे वाले लोग आ गए थे। अच्छा। पैसे वालों बर्दाश्त नहीं हुआ उन्होंने कहा भाई, और वो गरीब आदमी उसको मना नहीं कर सकता था। अब जब वो अपनी औकात भूल गया और उसने एक एक नहीं दो तीन 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 मंजिल उठा ली, उस चक्कर में फिर वक्फ बोर्ड वालों ने भी एनजीओ जो आई इन्होंने केस डाला उस पर, भाई हम इसकी अपनी दीवार की मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो इस मेंटेनेंस से छोटे छोटे बेचारे ये जो यहाँ पे कबाड़ी की दुकान थी, मतलब अपना बिजनेस चला, बच्चे पाल रहे थे। मगर जो आज बच्चे पालने में दिक्कत हुई, अब जो 40 साल से बैठे उनको दिक्कत है। ये तो सब कुछ तहस नहस हो गया। अब ये है ना कि जो आदमी बैठा नहीं आज से कम ये ऐसी नहीं कि दुकान आज बंद गई है। जी। ये जो कंस्ट्रक्शन केवल अभी एक दो साल के अंदर हुई है जिन्होंने डबल करी। कितना पुराना माने इनको? ये 40 ये भाई किसी टाइम पे साइकिल स्टैंड हुआ करते थे हर बिल्डिंग के, साइकिल जो हॉकर्स थे तो वो यहाँ पे बैठ के अपनी साइकिल लगाया करते थे, और उनके लिए किसी कोई चाय वाला आ गया तो उसने चाय वाला खोल दिया, भाई चाय पी तो नाश्ता वास्ता करते हैं। तो वो धीरे धीरे जाते रहे और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन होती रही। कितना पुराना इसको मान सकते हैं? 60 साल हो गए करीब करीब बने, तकरीबन करीब 60 साल के। और सबसे पुराने कोई ना कोई चेंज करके कोई चेंज करके चला गया, नए नए प्रॉपर्टी वाले आ गए, कुछ अपना बिजनेस बढ़ाने लगे किराए पर कुछ सिस्टम। अच्छा, जो ये हुआ है बुलडोजर जो चला है उसको आप सही मानते हैं? सही, ये तो गवर्नमेंट के अंदर में है, अब क्या कर सके। नोटिस दिया हुआ पूरा एंटरप्राइज जगह है, रोड है, अब जो जैसे कब्जा किया हुआ जैसे चल ही रहा था, अब वो हुआ तो कायदे से क्या गलत या सही है। गरीब आदमी के मेन बात है परेशानी है, रोटी यूरी का सवाल है, और हम क्या कह सकते हैं। अब आप बताइए कि जिन लोगों ने दुकानें चढ़ा ली तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके चक्कर में जो गरीब थे वो पिस गए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो आप कैसे मानते हैं इसको, कैसे देखते हैं इस ट्राइव? अब ये देखो, ये जो पीछे साइकिल स्टैंड है आज से नहीं है, ये मेरे ख्याल एक्सप्रेस बिल्डिंग बनी है तभी से, पहले बिल्डिंग के गेट इसी साइड हुआ करते थे। अब वो बाहर का रोड बना तो लोगों ने अपने बिल्डिंग के गेट उस साइड कर लिए, और इन जगहों को थोड़ा बहुत साइकिल स्टैंड या साइकिल हट गई तो स्कूटर स्टैंड आ गया। अब स्कूटर भी कम होगा तो कार आ गई यहाँ पे। बस ये है कि फिलहाल तो कब्रिस्तान का रास्ता है यहाँ पे निकलने के लिए, उनको हमारी पार्किंग से तो कोई नुकसान नहीं था यहाँ पे, क्योंकि कब्रिस्तान की जो मैयत आती थी वो ही यहाँ पे गाड़ी लगाते थे, हम कभी मना ही नहीं करते। इसे साइकिल स्टैंड को मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता था, मगर ये हमारी पार्किंग से किसी को हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, ना ना बिल्डिंग वालों को कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होने दी। बोला भाई ये स्टैंड है, केवल स्टैंड के थ्रू यूज हुआ, आगे जो लोगों अब मैयत यहाँ उड़ जाती थी आगे लोगों ने गौर नहीं करा, अब वो बनते गए। बात ये यानी अवैध तो इसको माना जा सकता है? बिल्कुल सर। अब जिसका मेरा मतलब, जब अब मैं अगर कोई सामान चुरा लूँ तो मैं तो कहूँगा मैं तो लीगली हूँ। भैया, जितनी भी इमारतें यहाँ बनी हुई थी, जितनी भी दुकानें यहाँ बनी हुई थी, वो सब कब्जे की बताई गई हैं, और यहाँ बड़ा कब्जा माना जा रहा था, और उसी के चलते इसको पूरी तरह से आज बुलडोजर से तोड़ा गया है, और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन को यहाँ लगाया गया, पुलिस बल को तैनात किया गया, जगह जगह दिल्ली पुलिस के बैरिकेड और उनके साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम हैं उनको भी देखना दिल्ली पुलिस की और प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है ऐसे इंक्रोचमेंट ड्राइव को चलाने में, क्योंकि इंक्रोचमेंट ड्राइव जब की जाती है तो माहौल बिगड़ने का ख़तरा भी रहता है। आपने वो तस्वीरें काफ़ी पहले देखी होंगी, क्योंकि जिनके ये मकान होते हैं, जिनकी दुकानें होती हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन का रुख ज़रूर इख्तियार कर लेते हैं, तो इसलिए प्रशासन को लगाया जाता है, पुलिस बल की मौजूदगी में ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो आज की ये सीधी तस्वीरें दिल्ली गेट के उसी कब्रिस्तान के पीछे वाले एरिया से कि जहाँ इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, चार बुलडोज़र एक साथ चल रहे हैं। अगर इसको माना जाए तो ये इस वक्त की एक बड़ी इंक्रोचमेंट ड्राइव मानी जा सकती है, एक ही वक्त में चार बुलडोज़र एक साथ चलाए जा रहे हैं, और अलग अलग जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ये बुलडोज़र लगाए गए हैं, और वहाँ पुलिस प्रशासन उनके साथ दिया गया है, पुलिस बल को तैनात किया गया है, MCD के अधिकारी मौके पर बुलडोज़र के साथ मौजूद हैं। नोटिस आपको लगा हुआ दिख जाएगा, उस नोटिस में साफ साफ डेट भी लिखी हुई है, जगह, नाम, ये तमाम चीज़ें हैं, और जो नोटिस है वो दीवारों पर और मकानों के जो दरवाजे हैं और जो दुकानों के दरवाजे हैं उन पर लगाया गया है। यानी इससे ये तो साफ हो रहा है कि MCD पहले ही नोटिस दे चुकी थी इस पूरे मामले को लेकर, जो नोटिस है वो लगाया जा चुका था। यहाँ अभी जो मकान है, जो दुकानें हैं, उनके जो मालिक हैं या उनमें जो रहने वाले हैं,
कोई भी यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है, कुछ लोग हैं और उसके अलावा बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।